इधर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां तेज रफ्तार रोडवेज बस ने सड़क किनारे खड़े लोगों को कुचल दिया और मौके से फरार हो गए। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने वाराणसी लखनऊ हाईवे को जाम कर दिया और आरोपी बस ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग हाईवे पर पहुंचे और दोनों तरफ से आने वाली गाड़ियों को रोककर घंटों सड़क को जाम रखा। आरोप है कि तेज रफ्तार बस लखनऊ से वाराणसी की तरफ जा रही थी, तभी हाईवे पर खड़े कुछ लोग सड़क किनारे बस का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान सामने से आ रही बस बेकाबू हो गई और लोगों को रौंदते हुए निकल गई। हादसे के बाद हाईवे पर कोहराम मच गया, जबकि ड्राइवर मौके से फरार हो गया। दर्दनाक हादसे से आहत मुख्यमंत्री ने मृतक के परिजनों के प्रति गहरा दुख प्रकट करते हुए पुलिस और प्रशासन को घायलों को उचित इलाज कराने का निर्देश दिया है। खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश अहमद के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। अहमद पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने उसके पास से पिस्तौल और कारतूस बरामद किया है। उत्तर प्रदेश के बरेली से खबर आप देख रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। कुख्यात बदमाश के साथ जब मुठभेड़ हुई तो उसके पैर में गोली लगी है। 25,000 का इनाम पुलिस ने इस पर घोषित किया था। इधर देश में